الله الرحمن الرحيم. Welcome students to the only YouTube channel of Evergreen Public School. तो कल हम क्लास 8 के मैथमेटिक्स के मेंसुरेशन एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट किए थे. आज एक्सरसाइज 10.2 करने की कोशिश करेंगे. तो पहले वीडियो में हमने एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सर्कल, ऐसे फिगर्स का हम एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट किए थे. तो इस चैप्टर में हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम और एरिया ऑफ रोमबस के मुतालिक पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि ट्रेपीजियम होता क्या और रोमबस होता क्या है. तो अगर ट्रेपीजियम की बात की जाए, ट्रेपीजियम एक फोर साइडेड पॉलीगन, चार साइडेड पॉलीगन को हम क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है. क्वाड्रिलेटरल है जिनमें वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड आपके पल्लम होते हैं. वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पल्लम. तो अगर फिगर बनाने की कोशिश करेंगे तो आपका ट्रेपीजियम कुछ इस तरह होगा. अगर ए बी सी डी को हम ट्रेपीजियम कहेंगे तो इसमें आपका ए बी इज पैरेलल टू सी डी होगा. ए बी शुड बी पैरेलल टू सी डी. ए बी साइड सी डी साइड के पैरेलल होगा. और एडी और सी डी पल्लव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इक्वल हो भी सकते नहीं भी हो सकता है. तो सबसे पहले हम डिराइव करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है क्या, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो अगर एडी का लेना कर ए रखेंगे, लेट द साइड ऑफ द ए बी बी ए यूनिट्स एंड द लेंथ ऑफ साइड बी सी डी बी यूनिट्स. तो इसमें हमने क्या किया, ए बी साइड का लेंथ रखा हमने ए यूनिट्स एंड बी सी विल बी इक्वल टू डी यूनिट्स. ए और बी पैरेलल है आपस में और वर्टेक्स डी से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. तो परपेंडिकुलर दोनों का लेंथ इक्वल होगा. लेट द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर बी, हम एच रखेंगे, परपेंडिकुलर का लेंथ एच रखेंगे. और जो ये परपेंडिकुलर होगा वो ए बी साइड को ई और एफ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे. तो यहां पे हमें तीन फिगर मिलेगा. फिगर नंबर फर्स्ट ट्राइंगल, फिगर नंबर सेकंड विल बी अ रेक्टेंगल और तीसरा फिगर जो आपका प्राप्त होगा वो आपके पास ये भी एक ट्राइंगल होगा. तो टोटल एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम एबीसीडी, तो क्या करेंगे, पहले इसका हम ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, फिर रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, फिर एरिया ऑफ द थर्ड ट्राइंगल. तो इन तीनों का जब सम करेंगे तो इट विल बी द टोटल एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम. So area of trapezium ABCD will be equal to area of trapezium ABCD is equal to kya hoga, area of triangle A, area of triangle ABE, area of triangle ADE plus area of रेक्टेंगल डीईएफसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सीएफडी होगा आपका. तो हमें ऑलरेडी पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज बेस इंटू ऑल्टीट्यूड
और ए ऑफ ट्राइंगल हाफ इन टू बेस इन टू ऑल्टीट्यूड होगा. सो ए ऑफ दिस ट्राइंगल ए डी ई विल बी इक्वल टू 1/2. अगर इसको बेस लेंगे तो ये ऑल्टीट्यूड बनेगा. सो 1/2 इंटू ए इंटू वट इज द ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड हमने एच रखा है, प्लस एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू बेस लेंथ इंटू ब्रेथ. अगर ये बी होगा दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू बी, तो ये बी होगा बी इंटू इसका हाइट एच रखा है हमने. और एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ बी सी विल बी इक्वल टू प्लस 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड है. आपका बेस होगा यहाँ पे एफ बी इंटू ऑल्टीट्यूड आपका एच है. सो इन तीनों में से अगर एच 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 को कॉमन निकालेंगे पहले और 1/2 को भी अगर कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, यहां बचेगा आपका ए ई बचेगा और यहां पे आपका एफ डी बचेगा और यहां पे क्या बचेगा बी बचेगा, ट्वाइस बी बचेगा बिकॉज 1/2 एच इंटू टू बी विल बी इक्वल टू बी इंटू एच. तो क्या होगा देर विल बी इक्वल टू, देर विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू हाइट इंटू ए ई प्लस इसको हम पहले लिख देंगे एफ डी प्लस इस ट्वाइस बी को हम लिख सकते हैं बी प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं. सो इट विल बिकम 1/2 इंटू हाइट, इसको ऑल्टीट्यूड भी आप बोल सकते हैं, देख लीजिए ए ई प्लस बी. अगर ये बी होगा दिस विल ऑल्सो बिकम बी, ए ई प्लस बी प्लस एफ बी विल बी इक्वल टू ए, ए प्लस द वैल्यू ऑफ दिस थ्री टर्म्स विल बी इक्वल टू ए प्लस बी. देयरफॉर एरिया आपको क्या होगा 1/2 इंटू ए प्लस बी मीन्स सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू व्हाट इज एच, एच इज ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्रेपेजियम. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, किसी भी ट्रेपेजियम का अगर एरिया निकालेंगे देयर विल बी इक्वल टू 1/2 यानी कि हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, दोनों पैरेलल साइड को एड करेंगे प्लस ऑल्टीट्यूड, ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होगा. तो इसी तरह हम डिराइव करने की कोशिश करेंगे एरिया ऑफ रोम्बस. तो रोम्बस भी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका चारों साइड इक्वल होता है. रोम्बस के अगर डेफिनेशन लिखेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, रोम्बस क्या होता है, रोम्बस भी फोर साइडेड पॉलीगन है. फोर साइडेड पॉलीगन मींस आपका क्वाड्रिलेटरल होगा, क्वाड्रिलेटरल होगा, एक क्वाड्रिलेटरल है. और इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज है कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस डायगोनल्स बाइसेक ईच अदर एट राइट एंगल 90 डिग्री पे दोनों बाइसेक करेंगे और चारों साइड इक्वल होगा. ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, इनके चारों साइड इक्वल होंगे. तो फिगर इसका कुछ इस तरह होगा. ये जो आपका एक क्वाड्रिलेटरल लेट ए बी सी डी आर बी क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर गिवन आर इक्वल एंड डायगोनल ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर, दोनों ओ पे अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होगा ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा और दोनों डायगोनल को बाइसेक्ट भी करेंगे. यानी कि ये वाली साइड ओडी इज इक्वल टू ओ बी होगा एंड ए ओ इज इक्वल टू ओ सी होगा. इस तरह के फिगर को आप रोम्बस कह सकते हैं. सो अगर रोम्बस के अगर एरिया कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे एरिया ऑफ रोम्बस विल बी इक्वल टू
अगर एरिया ऑफ रोमबस निकालेंगे तो पहला डायगोनल एसी अगर ड्रॉ करेंगे तो ये डायगोनल एसी डायगोनल इस रोमबस को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करेंगे, तो इन दोनों ट्राइंगल का अगर एरिया प्लस करेंगे यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विल बी द टोटल एरिया ऑफ द रोमबस। सो एरिया ऑफ रोमबस विल बी इक्वल टू किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इस ट्राइंगल के ए डी सी, ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, बी सी। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, यहां पे 90 डिग्री ड्रॉ होगा, जब 90 डिग्री ड्रॉ होगा दिस साइड दिस लेंथ विल बी द ऑल्टीट्यूड, अगर ये ऑल्टीट्यूड होगा तो यहाँ पर क्या होगा बेस होगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी इस ट्राइंगल का एरिया होगा 1/2 बेस आपका ए सी ए और आपका ऑल्टीट्यूड क्या है भाई ए ओ प्लस 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू किसके इक्वल होगा 1/2 बेस आपके पास ए सी ए इंटू आपके पास ऑल्टीट्यूड क्या है बी ओ है ओ बी। तो यहां से हम 1/2 ए को कॉमन निकालेंगे, 1/2 ए सी को कॉमन निकालेंगे, 1/2 ए सी 1/2 ए सी यहां दोनों में, तो यहां बचेगा ए ओ प्लस ओ बी that will be equal to 1/2 into AC into what is the value AO plus OB AO 1/2 AC into DO sorry this will be become DO because altitude is DO तो यहां पे भी DO होगा DO plus OB will be equal to AB AB therefore area of any rhombus will be equal to 1/2 एसी आपका क्या है एसी आपका डायगोनल फर्स्ट है इसको डायगोनल फर्स्ट डी वन कंसिडर कर सकते हैं और ए बी सॉरी डी बी इज द बिकॉज डी ओ प्लस ओ बी डी ओ प्लस ओ बी इज योर डी बी एंड डी बी इज द साइक्लिन डायगोनल। सो एरिया आपका होगा किसी भी पल्लो किसी भी रोम्बस का आपका एरिया होगा 1/2 इंटू डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकंड। तो यहां पे हम फॉर्मूला दोनों का लिख देंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमने पहले डिराइव किया एरिया ऑफ ट्रेपेज़ियम व्हिच इज इक्वल टू क्या आया था 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू ऑल्टीट्यूड एंड एरिया ऑफ रोम्बस विल बी इक्वल टू रोम्बस का एरिया होगा भाई is equal to 1/2 diagonal first into diagonal second, diagonal first का measure लेना है, diagonal 2 का measure लेना है, दोनों को multiply करना है और 1/2 से multiply करके जो product आएगा that will be the area of the rhombus। so ये हो गया आपका area of rhombus and area of trapezium। तो इसके बाद हम करेंगे exercise 10.2 question number 1। तो पहला question आपको दिया है based on that formula question number 1 exercise 10.2 class 8 class 8। तो पहला question बोला है the shape of the top surface of a table is in the form of trapezium। किसी table top के जो shape हो trapezium के form में means shape कुछ इस तरह होगा आपका this will be a trapezium and the shape of the table top aapka trapezium ki form mein hai। find its area if the its parallel side are 1 meter and 1.2 meter respectively। agar in dono ko parallel treat karenge in dono ka measure diya aapke paas this is 1.2 meter aur dusra parallel side ka measure 8 meter diya hai it is 1 meter it is and the perpendicular distance between them or इन दोनों के बीच में पैरेलल साइड के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दिस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आपको दिया है 0.8 मीटर। आपको एरिया ऑफ द टेबल टॉप का एरिया निकालना है यानी कि सो एरिया ऑफ द टेबल टॉप विच इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रेपेज़ियम। तो ट्रेपेज़ियम में हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में विल बी
इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डायरेक्ट 1/2 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू ऑल्टीट्यूड, यानी कि परपेंडिकुलर हाइट ऑफ ऑल्टीट्यूड होगा, पैरेलल साइड भी दिया है, सो इट विल बिकम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, मींस पैरेलल साइड एक 1.2 मीटर है पहला आपके पास, एंड द सेकंड इज 1 मीटर इनटू ऑल्टीट्यूड इज 0.8 मीटर। सो इसको अगर सॉल्व करेंगे 1/2 होगा यहां पे इनटू 1.2 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 2.2 मीटर इनटू 0.8 मीटर, देट विल बी इक्वल टू 2 अंदर 2 1.1 होगा, 1.1 इनटू 0.8, यहां 1 मीटर, यहां 1 मीटर, मीटर इनटू मीटर विल बी बिकम मीटर स्क्वायर। देयरफॉर द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी 11 × 88 होगा, दो डिजिट के बाद पॉइंट होगा, देयरफॉर द आंसर विल बिकम 0.88 मीटर स्क्वायर विल बी द आंसर। सो इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड करने की कोशिश करेंगे। द सेकंड क्वेश्चन गोज इन सच ए वे दैट द एरिया ऑफ ए ट्रेपेज़ियम इज 34 स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रेपेज़ियम आपको दिया है क्वेश्चन नंबर सेकंड, एरिया ऑफ ट्रेपेज़ियम, एरिया ऑफ ट्रेपेज़ियम इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड द लेंथ ऑफ द वन पैरेलल साइड इज 10 मीटर एंड द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। आपको लेंथ ऑफ फर्स्ट पैरेलल साइड, एक पैरेलल साइड का आपको लेंथ दिया, इसको आप ए ट्रीट कर सकते हैं, एंड ए इज इक्वल टू आपके पास 10 सेंटीमीटर है, इट इज 10 सेंटीमीटर गिवन। तो दूसरा एंड ऑल्टीट्यूड और हाइट इज इक्वल टू, हाइट ऑब्लिक ऑल्टीट्यूड आपका दिया है इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड, दूसरा पैरेलल साइड को हम बी ट्रीट करेंगे, लेट द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड, बी एक्स और या बी सेंटीमीटर कुछ भी रख सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपेज़ियम विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेज़ियम, वी नो द एरिया ऑफ ट्रेपेज़ियम कितना होगा, इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, एक ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर प्लस, या आपके पास हमने एक सेंटीमीटर रखा दूसरा साइड, दूसरा पैरेलल साइड, ऑल्टीट्यूड आपके पास 4 सेंटीमीटर है, तो विच इज इक्वल टू, इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रेपेज़ियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दिया है, सो दिस विल बिकम सम ऑफ पैरेलल साइड, तो 10 सेंटीमीटर प्लस एक्स सेंटीमीटर इंटू 2 × 2 × 2 × 4 इंटू 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, 10 सेंटीमीटर 10 प्लस एक्स सेंटीमीटर हम बाहर निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू 34 डिवाइडेड बाय 2, यहां पे एक सेंटीमीटर बचा, सेंटीमीटर कैंसिल आउट, therefore 10 plus x is equal to 17, therefore the value of x will be 17 minus 10, that will be become 17 minus 10 is equal to 7 over, therefore the length of, other parallel side, दूसरे parallel side का length क्या होगा, is equal to 7 centimeter, because x is equal to 7, तो हमने यहां पर रखा था x centimeter, therefore दूसरी length का, दूसरी parallel length का side क्या होगा, 7 centimeter होगा। so इसी तरह question number second आपका complete हुआ, तो इससे question number third length of fence of a trapezium shape field ABCD, आपके पास एक trapezium shape field दिया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड,
एक ट्रेपेजियम शेप आपके पास फील्ड दिया है एबीसीडी, सो क्या बोल रहा है इसका टोटल लेंथ, इसका पेरीमीटर, लेंथ ऑफ फेंस और पेरीमीटर हम लिख सकते हैं सीधा, पेरीमीटर ऑफ द ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इज इक्वल टू, ये आपको दिया है 120 मीटर. If BC is equal to 48, CD is equal to 17 meter, AD is equal to 14 meter, find the area of the field, side AB is perpendicular to the parallel side AD and BC, AD and BC are parallel side, AD और BC आपको parallel दिया है, AD और BC आपको parallel दिया है, and AB is the perpendicular, तो AB आपको perpendicular भी दिया है, this is also given as perpendicular, तो AB perpendicular इन दोनों साइड पे, तो यहां पे भी 90 डिग्री बनेगा, यहां पे भी 90 डिग्री बनेगा, यह ऑब्लिक्यूट के तौर पर काम करेगा, so यहां पे दिया आपको BC is equal to 48, BC is equal to 48 centimeter, 48 meter sorry, 48 meter, CD is equal to 17. CD is equal to 17 meter and AD is equal to 40. So, ये length 40 होगा, 40 meter, तो ये 48 होगा, ये length आपका बड़ा होगा इस length से. So, आपका figure कुछ इस तरह बनेगा. ये आपका 48, ये 17 meter है, आपको altitude find करना है सबसे पहले. तो पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर इसीलिए दिया कि ताकि आपको ऑल्टीट्यूड फाइंड आउट कर सके. तो पेरीमीटर ऑफ एनी क्लोज फिगर विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, तो क्या होगा, पेरीमीटर विल बी इक्वल टू एबी प्लस बीसी प्लस सीडी प्लस एडी, तो टोटल पेरीमीटर 120 मीटर आपको दिया है. ए भी हमें पता नहीं है, ए भी आपको वैल्यू निकालना है. डीसी आपको 48 दिया है, 48 मीटर प्लस सीडी इज इक्वल टू, सीडी इज इक्वल टू 17 मीटर दिया है, सीडी 17 मीटर, ए भी आपको 40 मीटर दिया है, 40 मीटर इज इक्वल टू 120 मीटर. सो ए भी इन तीनों का सम क्या होगा, 7 0 7 7 8 15 4 1 5 5 1 6 6 4 10 105 plus 105 meter is equal to 120 meter. Therefore, AB is equal to 120 meter minus 105 meter. Therefore, the value of AB will be equal to 120 minus 5 15, तो 15 meter होगा आपका AB का length. तो AB आपको altitude है, therefore AB का value आपका आया 15 meter. तो आपको एरिया निकाल सकते हैं आप. सो देयरफॉर एरिया ऑफ द फील्ड एबीसीडी, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम शेप फील्ड एबीसीडी इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू ऑल्टीट्यूड. तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या होगा, 1/2 पैरेलल साइड आपके पास एडी है प्लस सेकंड पैरेलल साइड बीसी दिया है, ऑल्टीट्यूड आपके पास है एबी. So the total value will be equal to 1/2. AD is equal to, AD आपके पास कितना है, AD is equal to 40 meter plus BC is equal to 48 meter and the value of AB is equal to 15 meter. So the total value will be 1/2 into 40 plus 48 will be equal to 88 meter into 15 meter. So the total value will be 2 and 2 2 4 8 2 4 8 will be equal to 44 meter into 15 meter, meter into meter will become meter square, 15 for 60 60 plus 6 66. So the total area of this trapezium shape will be equal to
660 मीटर स्क्वेयर, तो 660 क्या 660 मीटर स्क्वेयर इसका टोटल एरिया हो गया, टोटल रकबा होगा। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर फोर करेंगे यहां पे। क्वेश्चन नंबर फोर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर बोल रहा है द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड इज 24 मीटर एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग ऑपोजिट वर्टेक्सेस आर 8 मीटर एंड 13 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। तो आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड, एक क्वाड्रिलेटरल शेप का फील्ड है, तो यहाँ पे हम डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। डायगोनल आपको 24 दिया है, डायगोनल 24 मीटर दिया है, 24 मीटर, 24 मीटर, और दोनों ऑल्टीट्यूड यहां से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाता है, यहां से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाता है, दोनों का वैल्यू भी दिया है। द फर्स्ट इज 13 मीटर, पहला 13 मीटर है आपके पास, एंड द सेकंड इज 8 मीटर और दूसरा का वैल्यू 8 मीटर है। तो इस कोऑर्डिनेटर शेप फील्ड का हमें क्या निकलना है, एरिया निकलना। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सो टोटल एरिया ऑफ द फील्ड विल बी इक्वल टू, टोटल एरिया विल बी इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल। यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहे, जो ये डायगोनल है इस कोऑर्डिनेटर को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करें, सो टोटल एरिया विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सेकंड, दोनों ट्राइंगल का एरिया का सम होगा। सो द एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल विल बी 1/2 बेस, 1/2 बेस, अगर इसको ऑल्टीट्यूड लेंगे तो ये 24 मीटर वाला आपका बेस होगा, देयरफॉर 1/2 इनटू बेस 24 मीटर है, दैट इज इक्वल टू 24 मीटर इनटू ऑल्टीट्यूड आपके पास 13 मीटर है, प्लस 1/2 एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल विल बी इक्वल टू 1/2 बेस होगा 24 इनटू ऑल्टीट्यूड आपके पास क्या है 8 मीटर, सो देयर विल बिकम क्या होगा 1/2 24 मीटर, 24 मीटर यहां दोनों कॉमन है, 24 कॉमन निकाल सकते हैं मीटर, तो ब्रैकेट के अंदर रहेगा 13 मीटर प्लस 8 मीटर विल बी 13 प्लस 8 मीटर के फॉर्म में ले सकते हैं। देयरफॉर द टोटल एरिया विल बी 12 12 24, सो 12 मीटर इंटू 13 6 21 मीटर, सो 12 इंटू 21 विल बी क्या मीटर इंटू मीटर, 12 एक 12 वन केरी 12 दूनी 24 25 252 मीटर स्क्वेयर विल बी द टोटल एरिया ऑफ द गिवन फील्ड, जो फील्ड दिया होगा उसका टोटल एरिया 252 मीटर स्क्वेयर होगा। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर फोर हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर फाइव देख लीजिए, द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द एरिया। एक रोम्बस आपके पास दिया है, रोम्बस का डायगोनल्स का वैल्यू दिया है, डायगोनल्स का लेंथ आपको दिया है, तो आपको उस रोम्बस का एरिया निकालना है। सो द एरिया विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकंड, ये हो गया आपका रोम्बस के डायगोनल फर्स्ट होगा या आपका डायगोनल सेकंड होगा, डायगोनल फर्स्ट और डायगोनल सेकंड परपेंडिकुलरली बाइसेक करेगी, दे विल बाइसेक ईच अदर 90 डिग्री पे बाइसेक करेगा। तो पहला आपका जो डायगोनल फर्स्ट दिया है, डायगोनल फर्स्ट 7.5 मीटर, तो छोटा वाला जो डायगोनल होगा 7.5 मीटर होगा, और जो बड़ी डायगोनल होगी डेट इज इक्वल टू, तो बड़ी डायगोनल होगा आपका 12 सेंटीमीटर। सो गिवन क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर फाइव, डायगोनल फर्स्ट यानी कि डी वन इज इक्वल टू आपके पास है, डायगोनल फर्स्ट इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, और सेकंड डायगोनल, द लेंथ ऑफ सेकंड डायगोनल इज गिवन एज, डी टू का वैल्यू आपको दिया है
12 सेंटीमीटर, तो आपको एरिया कैलकुलेट करना है, तो द टोटल एरिया ऑफ द रोम्बस ऑफ द गिवन रोम्बस विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू डायगनल फर्स्ट इंटू डायगनल सेकंड। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकता है, 1/2 डायगनल फर्स्ट 7.5 सेंटीमीटर आपके पास और डायगनल सेकंड आपके पास है 12 सेंटीमीटर, तो क्या होगा 2 × 2 = 12, तो 7.5 × 6 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर विल बिकम सेंटीमीटर स्क्वायर, सो द टोटल वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू 6 × 5 = 30, 3 × 3 = 6, 7 × 4 = 42, 45 हो गया, इट विल बिकम 45.0 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका कुल रकबा होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको खुद करना है, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 300 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप, एक पार्टिकुलर फ्लोर पे 3000 के करीब 3000 टाइल्स बिछी हुए, हर टाइल्स का शेप है इन रोम्बस शेप का। क्वेश्चन नंबर 7, टोटल नंबर ऑफ टाइल्स, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 आपको होमवर्क के तौर पर करना है, क्वेश्चन नंबर 7 टोटल नंबर ऑफ टाइल्स आपके पास कितना है, इज इक्वल टू 3000 टाइल्स है आपके पास, 3000 टाइल्स है, तो टाइल्स का शेप क्या है, शेप ऑफ टाइल रोम्बस शेप का है आपके पास, सो 40-45 सेंटीमीटर थ्री इंच लेंथ, तो हर टाइल का रोम्बस शेप टाइल का आपको डायगनल्स दिया है, तो डायगनल फर्स्ट यानी कि डायगनल D1 इज इक्वल टू आपको दिया है, पहला डायगनल आपको दिया है भाई डायगनल फर्स्ट 45 सेंटीमीटर और सेकंड डायगनल नंबर D2 इज इक्वल टू डायगनल सेकंड आपको आपके पास है डायगनल सेकंड 30 सेंटीमीटर का, तो शेप कुछ इस तरह होगा, एक पर्टिकुलर टाइल इस तरह होगा, डायगनल फर्स्ट 45 सेंटीमीटर होगा और डायगनल सेकंड क्या होगा, ये 45 सेंटीमीटर का होगा या आपके पास 30 सेंटीमीटर का होगा। तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर, उस फ्लोर को उस फर्श को आप पॉलिश करना है, ₹4 कॉस्ट दिया है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग का रेट है इज इक्वल टू ₹4 पर मीटर स्क्वायर, एक मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है ₹4, तो टोटल उस फ्लोर को अगर पॉलिश करना है तो कॉस्ट कितना लगेगा, टोटल कॉस्ट आपको निकालना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक पार्टिकुलर टाइल का एरिया निकालेंगे, फिर 3000 टाइल का निकालेंगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएंगे, देख लीजिए, तो एरिया ऑफ वन टाइल एक टाइल का एरिया क्या होगा, विल बी इक्वल टू डायगनल शेप का 1/2 इंटू डायगनल फर्स्ट इंटू डायगनल सेकंड, ये वाले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देयर विल बिकम 1/2 इंटू डायगनल फर्स्ट 45 सेंटीमीटर है और डायगनल सेकंड 30 सेंटीमीटर का है, देयरफॉर द टोटल वैल्यू विल बी इक्वल टू 2 × 15 = 30 होगा, यहाँ पे 15 × 5 = 75, 75 + 7 = 15, 64 60 + 7 = 67, सो एक टाइल का एरिया होगा 675 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो देयरफॉर एरिया ऑफ, इसी तरह एरिया ऑफ 3000 सच टाइल्स, इसी तरह 3000 टाइल्स का एरिया क्या होगा, 675 × 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर, देयर विल बी इक्वल टू 03 यहां आ जाएगा डायरेक्ट, 3 × 5 = 50, 1 × 3 = 7, 21, 21, 122, 2 × 3 = 6, 18, 18, 19, 20, तो ये हो गया आपका टोटल एरिया ऑफ 300 सच टाइल्स, तो टोटल एरिया ऑफ फ्लोर होगा, फर्श का टोटल एरिया ये होगा, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, मीटर स्क्वायर में दिया है, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, सो द टोटल एरिया विल बी इक्वल टू
20250 देख लीजिए, एक सेंटीमीटर इज इक्वल टू वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू सॉरी वन मीटर इज इक्वल टू सब सेंटीमीटर होगा, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो यहां पे स्क्वायर कर सकता है, तो वन स्क्वायर इज इक्वल टू वन, वन मीटर स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना होगा, वन मीटर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक सेंटीमीटर स्क्वायर होगा 1/10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूं 1/10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 00 यहां पे कैंसिल होगा, 00 आपको कैंसिल होगा, देयर विल बी कम 2025/100 मीटर स्क्वायर, देयर विल बी इक्वल टू 20.25 मीटर स्क्वायर, 20.25 मीटर स्क्वायर होगा आपका। ट्रिपल जीरो यहां पे सॉरी 000 तो यहां पे 3 जीरो कट होगा, यहां पे एक जीरो, इट विल बी इक्वल टू 202.5 मीटर स्क्वायर, तो टोटल कॉस्ट पॉलिशिंग का क्या होगा, देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, पॉलिशिंग का टोटल कॉस्ट क्या होगा, विल बी इक्वल टू 202.5 एक मीटर स्क्वायर की क्या है 4 रुपए, देयरफॉर द टोटल विल बी इक्वल टू रुपीज 202.5 इंटू 4, देयर विल बी इक्वल टू रुपीज 4 × 5 = 20, 2 kg, 4 × 2 = 8, 8 × 10 हो गया, 4 × 2 = 8 हो गया, तो एक डिजिट के पास पॉइंट आ गया, देयरफॉर द टोटल वैल्यू विल बी इक्वल टू 810, तो टोटल फर्श को पॉलिश करने के लिए 810 रुपए की जरूरत पड़ेगा। सो क्वेश्चन नंबर 7 आपको कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 आपको होमवर्क के तौर पर घर पे करना है, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप सो कंटेक्ट कर सकते हैं, तो आज के दिन हम यही पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 ए और देन अगर नहीं आएगा तो हम करने की कोशिश करेंगे। बाकी वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।